आइए थोड़ी चर्चा करेंगे उस पर, और थोड़ा जीवन को कैसे संवारना है, जीवन को कैसे तराशना है इस पर, और थोड़ी चर्चा करेंगे बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाए। इन सारे विषयों पर थोड़ी चर्चा होगी। सबसे पहले जिन चर्चा हो रही थी उसी चर्चा पर आऊं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माताओं को, बहनों को तीन बार अवसर मिलता है जीवन को संवारने का, तीन बार अवसर मिलता है। सबसे पहले उनका तीन बार जन्म होता है, पहली कन्या के रूप में जन्म लेती है, दूसरी बार माँ के रूप में जन्म लेती है, और तीसरी बार गृहिणी के रूप में जन्म लेती है। तीन बार आपको जन्म मिलता है, पुरुषों को ऐसा अवसर नहीं मिलता है। आप तीन कुल को सुधार सकते हैं, जिस घर के माँ और बहू में, जिस घर के सास और बहू में आपस का प्रेम का रिश्ता होता है, उस घर में एक तरंग उत्पन्न हो जाता है, उस घर में स्वर्ग स्वर्ग ही स्वर्ग है। वहाँ के बच्चे संस्कारी होते हैं, वहाँ के परिवार के लोग सभ्य हो जाते हैं, वहाँ के वातावरण अच्छा होता है। यदि आपके घर का वातावरण खराब है, मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं खरा है, कहीं ना कहीं खोट है। आपको तीन बार अवसर मिलता है, तीन बार अवसर मिलता है। आप पहले बार जन्म लेती है जब माँ के कोख से, तो जब आप अपने समय अपने घर में रहती है तो लगभग लगभग 20 से 25 वर्ष तक अपने घर में रहती है। पहले बार 20 से 25 वर्ष तक जिस घर में रहती है, यदि आप समझदार लड़की होती है, समझदार अच्छे संस्कारी लड़की होती है, तो पहले बार अपने उस कुल को आप सुधार सकती है। पहले बार उस कुल को सुधार सकती है। आपके घर के माँ बाप के लोग सभ्य बोलते हैं, आप सभ्य बोलना सिखा सकते हैं। आपके घर के परिवार के भैया भाभी में टकराहट है, भाई भाई में टकराहट है, आपके घर के घर घर में भाभियों में टकराहट है, उसको आप सुधार सकते हैं यदि आप सभ्य लड़की है तो। पहले बार कब से? 15 साल से 25 साल के 10 साल के अवसर में आप होश की अवस्था में होती है, आप घर को तब संवार सकती है एक बार। दूसरा बार आपको अवसर मिलता है जब आप किसी ससुराल में जाती है, तब उस घर के नक्शे, उस घर के रहने वाले, उस घर के बोलने वाले, उस घर के खाने पीने वाले, उनका सबका ढांचा बदल सकते हैं आप। आप कम नहीं है, आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप अपने परिवार को बदल सकते हैं। सिर्फ ये लड़कियों में ताकत है, लड़कों में उतना ताकत नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। लड़कियों में ताकत है, पति को सुधार सकती है, माँ बाप को सुधार सकती है, सास ससुर को सुधार सकती है, भाभी को, देवरान को, जेठान को, सबको सुधार सकती है, वो लड़कियों में ताकत है। यदि आप में ताकत हो तो आपके घर के नक्शे बदल देना आप लोग यहाँ से जाने के बाद, और नहीं बदलते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका सत्संग सुनना। आप जिस घर में ससुराल में जाती है, ससुराल में जाने के बाद में वहां की वर्ताव, वहां का खान पियन, वहां के बोलना चलना, सबको आप बदल दीजिए। आप कभी टकराहट होती है, कभी आप सेवा से श्रद्धा, आदमी के विकास की तीन सीढ़ी है, सेवा श्रद्धा और साधना। सेवा से आप अपने घर के भाभी की, देरान की, जेठान की, माँ की, माँ की, सासू माँ की, सभी का दिल आप जीत सकती है, सभी का दिल आप जीत सकती है। और आपके मन में कहीं कपट भाव आ गया, मैं क्यों करूं, देरानी करेगी, मैं क्यों करूं, जेठानी करेगी, मतलब आप असफल होंगे, सफल तो हो ही नहीं सकते, ये बात लिख लीजिए आप। सेवा से कोई आदमी छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो आदमी जितना सेवा करता है उतना महान होता चला जाता है, उतना ही सबका दिल जीतता चला जाता है। इसलिए बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि दूसरे कुल को भी उजागर करना, दूसरे कुल में भी चार चांद लगा देना। जब पहले कुल में आप चार चांद लगाते हैं तो पूरे परिवार में आपकी चर्चा होती है, और जब दूसरे कुल में चार चांद लगाते हैं तो पूरे ससुराल वाले पक्ष में जिस परिवार वाले लोग आते हैं, उनके रिलेशन के लोग कहते हैं उनके बहू बहुत सुंदर है। किसकी सुंदरता? आपके चेहरे की सुंदरता नहीं कहते हैं लोग, आपके चेहरे की सुंदरता नहीं, आपके चेहरे की सुंदरता, आप सुंदर नहीं हैं, आपकी सुंदरता आपके स्वभाव से है। कोई आदमी अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे दिखते हैं तो कपड़े की सुंदरता है, आपकी सुंदरता नहीं है।
गहने से अच्छे दिखते हैं तो गहने की सुंदरता है आपकी सुंदरता नहीं है। गाड़ी से मकान से अच्छे दिखते हैं तो मकान की गाड़ी की सुंदरता है आपकी सुंदरता नहीं है। आपकी सुंदरता चेहरे से नहीं, चेहरे की सुंदरता तो शरीर की सुंदरता है। आपका सुंदरता आपके स्वभाव से है। क्या आपका स्वभाव निर्मल है? आपका स्वभाव पवित्र है? आपका स्वभाव सबके दिल जीतने वाले हैं? दूसरा जन्म, तीसरा जन्म है आपके ही कोख से जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को ऐसे संस्कार देना, ऐसे संस्कार देना कि वो बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो गर्व से कह सके कि ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया जो कि मैं धन्य हो गया। ऐसे माँ बाप को मैं बार बार वंदन करता हूँ। वो बच्चा आपका कहे। विदेश में हमारे कई भक्त लोग गए हैं और कई भक्त गए हैं, वो कहते हैं साहेब जी हमारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार, हमारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार आज विदेश में है पर भी वो काम आता है। आत्मीय बंधुओं अपने बच्चों को वो संस्कार देना कि आपके बच्चे जहां भी जाए आपका गुणगान गाए, आपके बच्चे जहां भी जाए आपके बच्चे हर जगह आपके गुणगान गाए, जहां भी जाए अपना सीना चौड़ा करके कह सके ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया जो कि मुझे योग्य बनाया, मुझे अपनी योग्यता पर खड़े करने का साहस दिया मुझे। ये तीसरे कुल का जन्म है। बच्ची का तीन बार अवसर, पहली वो कन्या के रूप में बेटी के रूप में जन्म लेती है, दूसरी बार वो माँ के रूप में जन्म लेती है और तीसरी बार गृहिणी के रूप में। आप तीन कुल को उजियार सकते हैं और जब तीन कुल को उजियागर करते हैं तो कोई कुल ही नहीं बचता जो कि अंधेला हो, कोई कुल ही नहीं बचता जो कि अंधेला हो। अपनी बेटियों को आप लोग इतनी शिक्षा और संस्कार दीजिए कि कोई आदमी आए तो दहेज की बात न कर सके। आपके ये कई प्रदेशों में हमको जाना होता है तो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार एक तीन ऐसा देश है जहां लड़के पक्ष वाले, जहां लड़की पक्ष वाले लड़का ढूंढने जाते हैं। तीन प्रदेश को मैं खास जानता हूं जहां लड़की पक्ष वाले लड़का ढूंढने जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में लड़का पक्ष वाले लड़की ढूंढने जाते हैं। ये तो अपना अपना सिस्टम है, लेकिन आपके बेटी को आप इतना योग्य बनाए कि आपके घर में आने वाले दामाद दहेज की बात न कर सके। दहेज प्रथा आदमी को पूरा बर्बाद कर रहा है। बेटियों को झुकना सिखाइए। यहाँ क्या परंपरा है पता नहीं, एमपी में और यूपी में बच्चियों से प्रणाम नहीं करवाया जाता है। कब सीखेंगे बच्चे प्रणाम करना? बच्ची को संत गुरुजनों को माँ बाप को प्रणाम करना सिखाइए, झुकना सिखाइए। जब वो झुकेगी तब तो दूसरे को वो कर्तव्य सिखाएगी। दहेज प्रथा की बात आती है तो मैं एक बात बताऊं, एक जगह की घटना। एक जगह एक बहू की शादी होने वाली थी, बेटी की शादी होने वाली थी। वहां से लंबे लिस्ट आए कि हमको बहू के साथ में ये चीज चाहिए। पूरे शादी की तैयारी हुई, जो जो चीज लिखे थे, वो सारी चीज उनके साथ में गई। उनके साथ में बहू आई, बहू आ गई घर में, अपने कमरे में, एसी कमरे में बैठी है। उधर से सासू माँ बड़बड़ बड़बड़ कर रही है कैसे बहू आ गई, जो कि खाना भी नहीं बनाती है, भोजन भी पारस नहीं करती है, कमरे में अंदर बंद रहती है, वहीं पड़ी रहती है, कोई मतलब ही नहीं है इनको, इस घर में लाने से क्या फायदा। इतने में बहू निकलती है उस कमरे से और कमरे से निकलती है और कहती है, कमरे से निकलते ही वे कहती है, माँ आप कुछ कह रही थी? हाँ कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? कह तुमको भोजन बनाना चाहिए, सफाई करना चाहिए, पारस करना चाहिए। इतने में बहू बोलती है, माँ जब मेरी शादी हुई थी तो आपने डिमांड किया था बहुत सारी चीज चाहिए। तो कहे हाँ डिमांड की थी, कौन कौन चीज चाहिए, थोड़ा लंबे लिस्ट है उसको पढ़ को बताओ। तब पढ़ती है तो लिखी है, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ था एक सुंदर गाड़ी चाहिए। उनके पिताजी ने 40 लाख की उनके लिए स्पेशल गाड़ी, फॉर्चुनर गाड़ी 40 लाख के खरीदा। फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, फोर व्हीलर के बाद बाइक भी चाहिए। उनके साथ में हीरे से गूथा हुआ हार चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। पूरे लंबे लिस्ट करीब करीब उन्होंने 1 करोड़ रुपए का लिस्ट बनाया, 1 करोड़ रुपए का लिस्ट बनाया। पूरे लिस्ट वो बहू उसकी सासू माँ पढ़ती है, फिर बंद हो जाती है। इतने में बहू पूछती है, और कुछ तो नहीं लिखा है ना? उनकी सासू माँ बोलती है, नहीं और कुछ नहीं लिखा है।
तुमने जो चीज मंगा था वो चीज मिला है, तुमको बहु मांगे थे बहु मिला, सामान मांगे थे सामान मिला। तुमने अपने लिस्ट में कभी क्या लिखे, कभी लिखे हो कि मुझे बहु बहु आए, लेकिन उनका सुंदर स्वभाव ये चीज भी आपने लिखा था? कहे नहीं लिखा था। आप क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं? संपत्ति मांगते हैं? यदि आपकी बेटी आपके बहु गरीब घर से भी है और संस्कारवान है, संस्कारवान है तो आप सुकून की जिंदगी जिएंगे, और आपकी बेटी संस्कारी नहीं है, बड़े बड़े अमीर घर से आए हैं तो आप संस्कार भरे जीवन नहीं है तो आप नरक की जीवन जिएंगे। एक मिनट साहब, एक आवश्यक सूचना है। भंडारा बन चुका है, जिनको भोजन करने की इच्छा है अपना जाके कर सकते हैं। कमेटी की ओर से आदेश हुआ है, बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव की। हेलो, कुछ मिनट शेष और है, लेकिन भूख जिनको ज्यादा लगी हो जा सकते हैं। चलिए मैं अपने विचारों पर आऊं। मैं कह रहा था, साहेब जी भी कहे उसी के विचार के अनुसार से मैं कुछ जो नारियों के लिए होना चाहिए वो चर्चा बताया। किसी ने पूछा बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए। आत्मी बंधुओं सभी बैठे लोगों से निवेदन करता हूँ कि उत्तरदाता ने कहा बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए। उत्तरदाता ने लिखा, प्रश्नकर्ता ने लिखा बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए। उत्तरदाता ने कहा बच्चों को संस्कार बच्चे के 20 जन्म के 20 वर्ष पूर्व देना शुरू कर देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे जब बच्चे ही पैदा नहीं हुए तो संस्कार किसको देंगे। जैसा आप बच्चे चाहते हैं वैसे उनके होने वाले माँ बाप को वैसे संस्कार देना शुरू कर दीजिए। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप उन अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दीजिए कि आने वाले उनके बच्चे ऐसे संस्कारी मिले कि आपको लगे कि वास्तव में आज हमारी जो मेहनत है वो सफलता की ओर है, सफलता की ओर है। तो कम से कम आप 20 वर्ष पूरा नहीं दे सकते तो कम से कम शादी होने के बाद में जिस दिन पता चल जाता है आपके परिवार में कि नए लक्ष्मी आने वाली है, घर में बहू के पेट में कोख में बच्चे पल रही है, कम से कम उस समय तो आपका परिवार का माहौल चेंज हो जाना चाहिए। उस समय सत्संग की चर्चा होना चाहिए, उस समय ज्ञान की चर्चा होना चाहिए, उस समय वार्ता प्रेम से होनी चाहिए। तब भी लड़ाइयां चल रही है, तब भी द्वेष चल रहा है, तब भी पति पत्नी में ढूसमढूस चल रहा है, बच्चे क्या सीखेंगे? एक बच्चे पैदा हुआ तो उसके बच्चे इतना तेज निकला जिनसे वो उनसे मार देता और कुछ करता बड़े होने के बाद में। तो एक संत ने पूछा, अच्छा ये बताओ बेटी, तुम जब शादी हुई तो शादी होने के बाद में तुम्हारे गर्भ में बच्चे थे तो तुम क्या करती थी, क्या पुस्तक पढ़ती थी, संतों के विचार सुनती थी, गाना सुनती थी? तो बच्ची बोलती है, उनकी माँ बोलती है बच्ची की माँ, महाराज जी मुझे शोले फिल्म पसंद था इसलिए शोले फिल्म बार बार देखा करती थी, और करीब करीब मैंने शोले फिल्म गर्भावस्था में करीब करीब मैंने 36 बार शोले फिल्म देखी। तो क्या शोले फिल्म देखेंगे तो बच्चे साधु निकलेंगे कि ढूसम ढूस करेंगे? आपके ऊपर है, आप बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं? आपके ऊपर है, आप बच्चे को कैसा संस्कार देना चाहते हैं? बच्चे आप जीवन में कितना पैसा कमाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप बच्चे को कितना बिल्डिंगे देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। गाड़ी देते हैं, घोड़े देते हैं, मकान देते हैं, उनके बैंक डिपॉजिट फिक्स करते हैं, जमीन खरीदते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो रहेगा, कुछ दिन में चला जाएगा, लेकिन बच्चे को आप, मैं कहा करता हूं बच्चों को आप उपहार दो या मत दो, लेकिन बच्चे को संस्कार जरूर देना। नहीं तो बच्चे को आप संस्कार नहीं दिए तो बच्चे खुद रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। उस दिन आपको लगेगा मैंने अपने जीवन में जो कमाना चाहिए वो नहीं कमा पाया, बच्चे को जो सिखलाना चाहिए वो बच्चे को नहीं सिखला पाया। आप अपने को कोसेंगे, आपके सेविंग अकाउंट होंगे, सेविंग अकाउंट में बहुत सारे पैसा होंगे, जब बुढ़ापे की स्थिति आ जाएगी तो सेविंग अकाउंट का पैसा काम नहीं आएगा। याद है तो एक बात बताऊं, मैं एक बहुत बड़े गायिका आशा भोसले, बहुत बड़े गायिका, उनकी सुंदर मधुर आवाज, उनके संगीत सुनने के लिए आदमी तरसते थे।
उन्होंने लिखा है, मैं मेरे पास में सुंदर मर्सिडीज गाड़ी गाड़ी खड़िया है, मेरे कमरे में हर मकान में एसिया लगा है, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। आज मैं एक कोने में हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ, हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ। मैं लंबी लंबी उड़ान भरा करती थी, कई देशों में जाया करती थी, और मेरी गाड़ियां सिर्फ हवाई जहाजे होती थी, हवाई जहाजों से मैं यात्रा किया करती थी। आज मेरा हवाई जहाज सिर्फ दो सिस्टर है जो मुझे इस जगह से उस जगह ले जाती है। मेरे बड़े बड़े सेवन स्टार होटलों में जाकर के भोजन किया करती थी, सेवन स्टार होटलों में जाकर के निवास किया करती थी, लेकिन आज मैं एक छोटे से कमरे में मात्र 6-8 फीट के बेड में मैं सोई हुई हूँ। मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी साथ नहीं जा रहा है, कुछ भी साथ नहीं जा रहा है। दुनिया में मेरा एक यश था, एक नाम था, लेकिन आज मैं एक असहाय होकर के पीड़ित पड़ा हूँ। मेरे शरीर मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। अब अंतिम शब्द था उनका, आपके साथ क्या जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा। आपके अंदर कुछ संस्कार भरे होंगे, कुछ विचार भरे होंगे, कुछ क्रांतियां, कुछ भ्रांतियां, कुछ कर्म कांड, कुछ पाखंड पड़ा होगा, यही आपके साथ जाएगा ना। आप जीवन के साथ में वो चीज ग्रहण करिए, वो चीज बोलिए, वो चीज खाइए, वो चीज वैसे जीवन जिए कि आपका घर पूरा विद्यालय आपके जीवन को आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चे संस्कारवान निकले। इसलिए मरते समय आप संतुष्टि भरा जीवन जिए, ये जीवन की सफलता है। कल भी इस चीज को कहा था मैं कि आप इस दुनिया से जाए तो संतुष्टि भरा जीवन जी करके जाए, बस जीवन की इतनी सफलता है, बाकी कितना कमाते हैं कितना खोते हैं ये सफलता नहीं, ये सफलता नहीं। आप सत्संग कराते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कम से कम दुर्योसनों को छोड़े, बीड़ी सिगरेट तंबाकू को छोड़े, इस चीज को कहा था। शराब पीने वालों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, शराब मत पीना। शराब पीने से क्या होता है आपको चीज बता देता हूँ। शराब पीने से आपके शरीर में शराब जाता है, वहाँ हृदय में अटैक करता है और माइंड को भ्रष्ट करता है, तब आप कड़बड़ कड़बड़ बोलना शुरू कर देते हैं, आपको माइंड डिस्टर्ब कर देता है। इतना ही नहीं, शराब पीते हैं तो आपकी पैसा बर्बाद होती है, आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, और आपका माहौल खराब होता है, आपका परिवार का माहौल खराब होता है। और एक विशेष चीज कहना चाह रहा हूँ, आपकी पत्नी आपकी पत्नी नहीं रह जाती, आपके माँ बाप नहीं रह जाते, आपके बच्चे नहीं रह जाते, दुष्ट और नालायक कहते हैं आप। कौन सी जिंदगी जीते हैं आप? अपमानित भरे जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं? सम्मान भरे जिंदगी क्यों नहीं जीते हैं आप? गर्व भरे जिंदगी क्यों नहीं जीते हैं? आप जब जब शराब पीते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, जब जब आप शराब पीते हैं तो शराब बस नहीं पीते हैं, बल्कि आप अपने बच्चों की जो उड़ान भरने की क्षमता होती है ना, उड़ान भरने की क्षमता, टीचर बनने की, इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, जज बनने की, आईएएस अफसर आईपीएस अफसर बनने की, आईटीआई करने की, जितनी भी नेट करने की जितनी भी क्षमता होती है ना, उड़ान भरने की जो क्षमता रहती है, वो जब जब आप शराब पीकर के घर में प्रवेश करते हैं, तब तब आपके बच्चे को जो उड़ान भरने की क्षमता है वो मिट्टी पलीद होती चली जाती है, मिट्टी पलीद होती चली जाती है। जब जब आप शराब पी करके आते हैं तो आपके बच्चे की जुड़ान भरने की क्षमता है वो मन में सोचती है या सोचता है, ऐसे ऐसे गंदे लोगों के बीच में मैं कैसे अपनी मंजिल को तय करूंगी या तय करूंगा। वो बच्चे नीरस हो जाता है, बच्चे मायूस हो जाता है, उनका उमंग उनका उत्साह खत्म हो जाता है, उनका उमंग उनका उत्साह खत्म हो जाता है। आपका जीवन तो आपका जीवन है आत्मीय बंधुओं, आपका जीवन कब तक का है मैं बताऊं? आपका जीवन ही नहीं है, जन्म माँ बाप ने दिया, पढ़ाया लिखाया शिक्षकों ने, दीक्षा संस्कार गुरु ने दिया, दुनिया से खाने पीने का सामान बाहर से मिला, आपकी जिंदगी कहाँ है? आपकी जिंदगी तो खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी जिंदगी और तब खत्म होती है जब आपकी जिंदगी होती है, जब आप शादी कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी नहीं रह जाती है, आपकी पत्नी की जिंदगी हो जाती है। शादी के बाद आपकी पत्नी की जिंदगी हो जाती है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी पत्नी की जिंदगी, पति और पत्नी का जिंदगी भी खत्म।
जब बच्चे हो जाते हैं तो पति और पत्नी का जिंदगी खत्म हो करके आपका जीवन बच्चे के लिए हो जाता है। बच्चे टारगेट, आपका लक्ष्य टारगेट बच्चे के लिए होता है। अब बच्चे को कैसे संस्कार देना है, बच्चे को कैसे शिक्षा देना है, इस पर होता है। आप बच्चे को क्या देते हैं? सिर्फ धन संपत्ति देते हैं? आप लोग, हर माँ बाप की शिकायत होती है, हर माँ बाप की शिकायत होती है कि बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? कान खोल के सुन लीजिए आज, आपके बच्चे आपका कहाँ क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि आप वो पाठ ही नहीं सिखलाते हैं। कैसे कह दिए कि बच्चे आपका कहाँ नहीं मानते? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आपके बच्चे गाड़ी चलाना नहीं जानते? आप गाड़ी चलाना सिखाए, आपके बच्चे गाड़ी चलाना जानते हैं? आपके बच्चे को मकान बनाया सिखाए, मकान बनाना जानते हैं? जमीन खरीदना सिखाए, जमीन खरीदना सीखे? इंजीनियरिंग करना सिखाए, इंजीनियरिंग सीखे? मोबाइल चलाना सिखाए, मोबाइल चलाना सीखे? हर चीज तो सीखे। पैसा कमाना आपने खूब सिखाया बच्चों को, पैसा कमाना तो आपके बच्चे सीखे? क्या नहीं सीखे आपके बच्चे? आपके क्या बच्चे नहीं मानते? आपके बच्चे, आपके पास दो मंजिला मकान था, आपके बच्चे ने बगल में चार मंजिला मकान बनाने का औकात रखा, आपके बच्चे क्या नहीं सीखे? आपके पास में छोटी गाड़ियां थी, अब आपके बच्चे आपके बगल में ही एक बड़ी गाड़ी कार से घूमते हैं, आपने वही चीज तो सिखलाया ना? क्या आपने बच्चों को कभी संस्कार भी सिखलाया? क्या आपने बच्चों को कभी अनाथालय में, वृद्ध आश्रम में ले गए? कभी कभी संतों के चरणों में झुकना सिखाया? कभी माँ बाप के चरणों में झुकना सिखाया? कभी सेवा सुधाय और साधना के बातें में बताया आपने बच्चों को? कभी आश्रमों में ले जाकर के संत अपने जीवन का निर्माण खुद कैसे करते हैं, अपने जीवन को खुद कैसे तराशते हैं, इस विषय पर आपने बच्चों को बताया? आपको बच्चे को बताने का टाइम ही कहाँ है? आपने बच्चों को पाठ नहीं सिखलाया। आपने बच्चों को जो चैप्टर सिखलाया, जो पाठ सिखलाया, वो बच्चे उस पाठ को पूरा किए हैं। आपने बच्चों को संस्कार की परिभाषा नहीं बताया, इसलिए आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते। आपके बच्चे सिर्फ आपके धन द्रव्य देने से आपके बच्चे आपका कहा मान जाएंगे? इम्पॉसिबल नहीं, हो सकता है, संभव नहीं है। मात्र आपके बच्चे आपके धन देने से आपका कहा नहीं मानेंगे, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा। धन तो ऐसे ही लोग दे देते हैं, धन तो लोग ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही धन को बांट दिया करते हैं। जिसके माँ बाप, जिसके बच्चे नहीं है, वो भी अपने गांव के लोगों को, गरीब लोगों को धन बांट देते हैं, क्या उसको माँ बाप कहेंगे? उसको आप लोग शांति बनाए रखें, या तो मैं बंद करूं, या तो शांति बनाए रखें। आपके बच्चे आपका कहा मानेंगे? आप पाठ तो सिखलाइए। आप आपस में पति और पत्नी लड़ते हैं, क्या आपके बच्चे कहा मानेंगे? आप आपस में सास और बहू लड़ते हैं, क्या आपके बच्चे आपका कहा मानेंगे? कैसे मान जाएंगे आपके बच्चे आपके कहा? नहीं मानेंगे। एक जगह एक पिता, पुत्र और माँ, उनके बहू, सभी लोग रहते थे, सभी लोग रहते थे। एक दिन अपने बच्चे के साथ में उनके माँ के बच्चे थे, एक माँ बूढ़ी माँ, उनके बच्चे और उनके बहू और उनके नाती, तीनों को एक होटल में जाना था। होटल में जाना था तो इतना में सभी लोग होटल में जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे को कहते हैं, बच्चे तुम भी चलो। बच्चा कहता है, माँ पापा से मम्मी से कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही घर पे हूँ। फिर कहते हैं चलो, तो कहते हैं नहीं जाऊंगा। इतना में फिर कहते हैं, तीनों को तैयार कर ही लेते हैं और अंतिम में अपने सासू माँ को कहते हैं, उनका बेटा कहता है, मम्मी हम लोग एक जगह पार्टी में जा रहे हैं, हम लोग एक जगह पार्टी में जा रहे हैं, आपको भूख लगेगी तो बगल में मंदिर है, वहां जा करके भोजन करके आ जाना मम्मी। अब उनकी सासू, उनकी बहू बोलती है, उनका बेटा बोलता है कि बगल में मंदिर है, वहां से भोजन करके आ जाना। इतना में बच्चा बोलता है, पापा एक बात बताऊं, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मंदिर अपने घर में ही बनाऊंगा,
क्योंकि पापा आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं और मंदिर बाहर में रहेगा तो आप बुढ़ापे हो जाएंगे, बुढ़ापे की स्थिति होगी तो आपको मंदिर बाहर में जाना ना पड़े भोजन करने के लिए, आप घर के बगल में मंदिर रहेगा वही भोजन कर लिया करना, क्योंकि अभी हम अभी दादी माँ दूर में जाती है भोजन करने के लिए, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके पास धन संपत्ति इतना है कि मैं बगल में ही मंदिर बना दूंगा और आप बगल के मंदिर में भोजन किया करना जब जब हम लोग पार्टी में जाएंगे तब तब। आपने बच्चे को क्या सिखलाया? आप अपनी बच्ची को जीवन को बर्बाद मत करिए। आपके बच्चे आपके सेविंग अकाउंट है। यदि आपके बच्चे को आपने संस्कार अच्छा दिया, आपने बच्चे को इतना अच्छा संस्कार कूट कूट के भर दिया, तो आपके बच्चे आपकी जब बुढ़ापे की स्थिति होगी, जर्जरता की स्थिति होगी, आपके घर में संपत्ति नहीं होंगे, आप रोगों से पीड़ित होंगे और आपने संस्कार अच्छा दिए, तो बच्चे कहीं से भी धन ला करके आपकी इलाज करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और आपने बच्चों को संस्कार अच्छा नहीं दिया, धन बस दिया और आप चाहेंगे कि बच्चे आपके साथ में रहेंगे, जब जब आप बच्चे को फोन करेंगे बुलाएंगे, अच्छी नौकरी लग गई है, बच्चे को चाहेंगे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, इलाज कराऊंगा, तो आपके बच्चे बोलेंगे माँ तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं यहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने टाइम का महत्व नहीं सिखलाया। एक घटना बताऊं, समय की बात आती है, समय इतना बेशकीमती है कि आप समय को कैसे आप संचालन करना है आपके ऊपर। एक जगह की बात है, एक बच्चा छोटा सा बच्चा जब जब अब कुछ अनाउंस मत कीजिए, 10 मिनट का प्रवचन बीच-बीच में अनाउंस मत कीजिए ना, क्या चीज कह रहे हैं, बीच-बीच में अनाउंस मत कीजिए ना, भोजन के लिए इसके लिए 15 मिनट का टाइम है, संत को पता नहीं है कहानी सर, आप बोले सर बोला था नहीं, कल बोले हां, अब हमको याद है, आपको याद है, याद है चलिए मैं अपनी बातें पर। मैं कह रहा था संस्कार की बातें, मैं बीच में चर्चा किया था कि बच्चे को आप समय दीजिए, समय बहुत बेशकीमती होता है और आप समय को किसमें देते हैं, पहले होता था शराब की लत, शराब एडिक्शन, अब हो गए मोबाइल एडिक्शन, शराब से भी बढ़ करके, शराब से भी बढ़ करके आप अब मोबाइल की लत हो गई है। सबसे पहले आप बिस्तर से उठते हैं तो किसकी दर्शन होती है, माता की दर्शन, पिता की दर्शन, भगवान की दर्शन, संत गुरु का दर्शन, नहीं बाबा, सबसे पहले आप बिस्तर से उठते हैं तो मोबाइल का दर्शन, और सबसे लास्ट में आप रात्रि में सोते हैं तो किसका दर्शन करके सोते हैं, मोबाइल का दर्शन। मत करिए जिंदगी को नरक, मत बनाइए, आपका जिंदगी कोई मशीन नहीं है, आप जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, अपने ही जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप रात्रि में सोते समय मोबाइल लेकर के मत सोइए, मोबाइल बगल में रख दीजिए, यदि मोबाइल लेकर के भी रखे हैं तो मोबाइल फ्लाइट मोड में कर दीजिए। अरविंद जी को पूछिएगा, कभी फोन लगाए होंगे तो रात्रि में हमारा मोबाइल चालू रहता है कि बंद रहता है, आज तक मैं करीब करीब मोबाइल 15 साल से रखा हूँ, ज्यादा दिन से नहीं, आज तक मैं मोबाइल रात में ऑन रखता हूँ, यात्रा के समय बस ऑन रखता हूँ। आप मोबाइल लेकर के उसका जो तरंग है ना वो बहुत खतरनाक होता है। चलिए मैं अपने अगले बात पर आऊं, मोबाइल लेकर के सोइए तो फ्लाइट मोड कर दीजिए। रात्रि में आप सोने के पूर्व एक मंत्र है, सोने के पूर्व कम से कम आप 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अकेले में बैठ जाइए और शांत जीवन, मुझे जीवन का निर्माण करना है, मुझे जीवन को सही दिशा में ले जाना है, मुझे किसी से शिकायत नहीं, किसी से शिकवा नहीं, मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबको धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए। बिस्तर से उठते हैं 5 मिनट के लिए बिस्तर से उठते ही सबको धन्यवाद दीजिए, सर्वप्रथम बिस्तर से उठते ही इस प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, हे प्रकृति मैं सुंदर जीवन, सुंदर
आज मैं जब सुबह उठा तो मैं जिंदा मिला, सबसे पहले जिंदा मिला। आप सूर्य को धन्यवाद दीजिए, सूरज का प्रकाश फ्री में मिलता है। हवा को धन्यवाद दीजिए, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, माँ बाप को धन्यवाद दीजिए जो आपके सहयोग करते हैं, आपके बच्चे को धन्यवाद दीजिए, आपके देरान और जेठान और सास और बहू सबको धन्यवाद दीजिए। आप तो बद्दुआ ही दे रहे हैं। जब आप देखे होंगे कभी देरान और जेठान में लड़ाइयाँ होती है ना, तो देरान और जेठान में कभी लड़ाइयाँ हो गई, कोई महिलाओं दो महिलाओं में लड़ाइयाँ हो गई और वहां पर कोई पुरुष हो तो उस पुरुष को खिसकना पड़ जाएगा। ऐसे शब्द चुन करके नंगे शब्द बोलेंगे, ऐसी भद्र शब्द बोलेंगे कि कोई पुरुष हो तो उनको कान छिपा करके पीछे खिसकना पड़ जाता है। और फिर बोलती बंद महनो महनो, क्या जिंदगी है, परिवार है ये, परिवार होता है आपस के प्रेम से, परिवार होता है जहाँ चार छह सदस्य हो वही परिवार नहीं, जहाँ चार छह सदस्य हो, जहाँ माता पिता को सम्मान दिया जाता हो, देरान जेठान को सम्मान दिया जाता हो, सास बहू को सम्मान दिया जाता हो, उसे परिवार कहा जाता है। जिस घर में देरान जेठान सास बहू भाई भाई आपस में एक साथ मिल करके दोपहर का भोजन होता हो, एक साथ सभी लोग बैठ करके पंक्तिबद्ध भोजन करते हो, मानो उस घर में रोज दीपा रोज होली का त्योहार है। आप लोग साल में एक बार मनाते हैं ना होली का त्योहार, आप रोज मनाइए। और जिस घर में रात्रि के समय ऑफिस से ड्यूटी से खेत से खलिहान से आने के बाद में सभी लोग रात्रि के समय एक साथ बैठ जाते हैं और एक साथ बैठ करके एक दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, दीप प्रज्वलित करके माता पिता की आरती उतार लिया करते हैं, माता पिता की आरती उतार लिया करते हैं, संत गुरुजनों का विचार सुन लिया करते हैं और सभी के सभी बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है, रोज उस घर में दीपावली का त्योहार है। आप साल में सिर्फ दो दिन, साल में सिर्फ एक दिन दीपावली का त्योहार मनाते हैं। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे साल भर दीपावली का त्योहार मनाइए। क्यों एक ही दिन मनाते हैं, क्यों एक ही दिन मनाते हैं? आपका जीवन है, आप जीवन को तराशिए, तराशिए जीवन को। कैसे तराशना है इस पर थोड़ी चर्चा करूं मैं, जीवन को कैसे तराशा जाता है। एक घटना बताऊं फिर अपने जीवन के तराशना कैसे इसको बताता हूं। एक आदमी संत के पास जाते हैं और संत के पास जाने के बाद पूछते हैं, भाई साहब, संत से पूछते हैं, भगवान मेरे जीवन का महत्व क्या है। आप सभी लोग बैठे सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी के सभी इस घटना से जीवन का महत्व पता चल जाएगा, आपके जीवन का महत्व कितना है। आप खुद लगाइएगा आपके जीवन का महत्व कितना है। वो संत से पूछते हैं, संत भगवान मेरे जीवन का महत्व क्या है। वो संत बैठा था, उसके बगल में एक बक्सा था, बक्सा से एक पत्थर निकालता है और दे देता है, कहते इस पत्थर को बेचना मत, इस तुम पूछना चाहते हो जीवन का महत्व क्या है, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस पत्थर को तुम जितना अधिक जगह हो सके इस पत्थर का कीमत पूछ करके आना, बस बेचना बस मत, बेचने की गलती मत करना। वो आदमी वहां से निकलता है और निकलते ही सबसे पहले उनको कबाड़ वाला मिल जाता है, तो कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी से पूछते हैं, वही बात सब जगह पूछते हैं, मैं साठ में बता रहा हूं आपको, कबाड़ी वाले से पूछते हैं, भाई साहब इस पत्थर को क्या रेट मिलेंगे आप। कबाड़ी वाला पत्थर को उलट पलट के देखता है, चमकीला और अच्छा पत्थर दिख रहा है, कहते हैं तुम्हारे पत्थर अच्छे दिख रहे हैं, चमकीले दिख रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, आपके जीवन की घटना बता रहा हूं मैं। कहानी पत्थर बेचने वाले को कहते हैं कबाड़ी वाले, भाई साहब तुम्हारे पत्थर अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं, इसलिए आपके पत्थर को मैं लोहे के भाव पे खरीद सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ता है, लोहे के भाव 20 रुपए किलो था उस समय। वो आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में कहाँ जाता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाले वही बात कहता है, सब्जी वाले भी वही कहते हैं आपके पत्थर अच्छे और चमकीले हैं, इसलिए आपके पत्थर को मैं 40 रुपये में खरीद सकता हूँ, 20 रुपये से 40 रुपये पे चला गया। आगे फिर बढ़ता है तो वो एल्युमिनियम के दुकान में जाता है, एल्युमिनियम के दुकान में वही पत्थर है, 400 रुपये किलो तक बिकने को तैयार है, पत्थर वही है, जगह बदल दिए, पत्थर का रेट बढ़ गया। आदमी फिर आगे जाता है, एल्युमिनियम के दुकान से पीतल के दुकान में जाता है, पीतल के दुकान में जाता है, वही पत्थर 800 रुपये तक बिकता है। वो आदमी फिर आगे जाता है, एक चांदी के दुकान में जाता है और चांदी के दुकान में वही पत्थर 80,000 रुपये तक बिकता है। वो आदमी फिर आगे बढ़ता है,
आगे बढ़ता है वही पत्थर है, 4 लाख रुपए तक बिकने को तैयार है, पत्थर वही है, जगह बदलते गए, रेट बदलता चला गया, बढ़ता चला गया। वो आदमी फिर आगे बढ़ता है, आदमी आगे बढ़ता है, एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है, हीरे के व्यापारी वही पत्थर को 4 करोड़ में मांगता है। वो आदमी को संतोष नहीं हुआ, पता चला था कि वहाँ एक बहुत बड़े व्यापारी है, डायमंड सिटी है, वहाँ चलते हैं। और डायमंड सिटी में सूरत हमारा आश्रम है, सूरत में वहाँ भी मैं 1 साल रहा हूँ, वहाँ हमारे हीरे के व्यापारी बहुत से भक्त लोग हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। वहां वो जाकर के पता करता है तो हीरे के व्यापारी उसको कहता है आपके पत्थर का आप रेट इस जगह रेट अदा करने वाले नहीं है, आपके पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, आपका पत्थर एक बेशकीमती हीरे हैं, जो अपने इलाकों को बेच दो तब भी इस पत्थर का रेट अदा नहीं कर सकते, इतना बेशकीमती हीरा है। ये कहानी का मतलब क्या होता है? वो संत, वो व्यक्ति संत के पास आते हैं और पूरी घटना बताते हैं, 20 से 40, 40 से 400, 400 से 800, 800 से 80 हजार, 80 हजार से 4 लाख, 4 लाख से 4 करोड़, 4 करोड़ से, फिर दाम नहीं बता पाया। इस कहानी का मतलब क्या है? आपकी कीमत कितनी है ना? आप जिस लोगों के संग और साथ में रहते हैं उतना ही आपका कीमत होता है। आप जैसे लोगों के संग और साथ करते हैं वैसे ही आपका कीमत होता है। आप शराबी के साथ जाते हैं शराबी कहलाते हैं, जुआड़ी के साथ जाते हैं जुआड़ी कहलाते हैं, नशेड़ी के साथ जाते हैं नशेड़ी कहलाते हैं, वकील के साथ जाते हैं वकील, मास्टर के साथ जाते हैं मास्टर, इंजीनियर के साथ जाते हैं इंजीनियर, जज के साथ जाते हैं जज, और अच्छे आदमी के साथ जाते हैं तो कहते हैं अच्छे आदमी। और कहीं आप संग करते करते संग करते करते आप अच्छे आदमी के साथ साथ साधु के संग करना शुरू कर देते हैं, साधु के संग करना शुरू कर देते हैं और सज्जन आदमी बन जाते हैं। पूरे गांव के लोग कहते हैं वो आदमी तो सज्जन आदमी है, बहुत ही सज्जन आदमी है, सज्जन आदमी, आपकी प्रशंसा होती है। और कहीं संग करते करते आपका जीवन का रंग बदल जाता है, आपका पूरा तब्दील परिवर्तन हो जाता है और आप संतों के संग में चलना शुरू कर देते हैं, आपका रंग ढाल चलना बोलना खाना पीना सब कुछ बदल जाता है। तो लोग पहले आप दुनिया के सामने झुकते थे, अब पूरी दुनिया आपके सामने झुकने को तैयार हो जाती है। कहानी का मतलब क्या हुआ? कहानी का मतलब आपके ऊपर है, आप अपना कीमत कितना में जानना चाहते हैं, आपके ऊपर है। हीरे की बात बता रहा था मैं, हीरा जीवन को कैसे तराशना है, जीवन को कैसे तराशना है, जीवन को आप जितना ही तराशते हैं जीवन को उतना ही आपकी चमक बढ़ती चली जाती है। और वैसे ही हीरे के व्यापारी हीरे को तराशता है तो हीरे का कीमत बढ़ता चला जाता है। हीरे के व्यापारी हमारे आश्रम में आए, कहे शायद ये हीरा है, ये हीरा करीब करीब अभी 2 लाख रुपए की हीरा है, उन्होंने दिखाया और हीरा दिखता था कंकड़ जैसे दिखता था। कहे साहब जी इस हीरे को तराश देंगे तो इस हीरे के 56 पहल निकलेंगे, कितना छोटा सा छोटा हीरा हो दूरबीन से देख करके भी उसका 56 पहल बनाया जाता है। कहे इस हीरे को तराशने के बाद इस हीरे का 56 पहल बनेगा और इस हीरे का कीमत 2 लाख से बढ़ करके 6 से 7 लाख रुपए तक जाएगा। हीरे को तराशने पर हीरे की कीमत बढ़ता है। आप अपने जीवन को तराशते हैं आपका कीमत बढ़ता है। पानी आप देखे होंगे, पानी आप नल में ऐसे खोलते हैं तो नल में खोलते हैं तो कई हजार लीटर पानी ऐसे ही गंवा देते हैं, कई हजार लीटर पानी ऐसे ही गंवा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब वही पानी को तराश दिया जाता है, वही पानी को फिल्टर किया जाता है तो वही पानी का कीमत बढ़ता चला जाता है। वही पानी को 20 लीटर बाटल में भर देते हैं, 20 लीटर के बाटल में 50 रुपए में जाता है। वही पानी को SI मार्का लगा बाटल में भर देते हैं तो वही पानी 20 रुपए लीटर में कहां जाता है, रेलवे स्टेशन में। और वही पानी का जगह बदल दिए, एयरपोर्ट में चले गए तो एयरपोर्ट में जाने के बाद में वही पानी का कीमत 50 रुपए लीटर हो जाता है। कीमत आप बढ़ाइए,
आप अपना कीमत बढ़ाइए, जीवन को तराशिए, जीवन को सुंदर बनाइए, बच्चों को अच्छा संस्कार और शिक्षा दीजिए। बच्चे आपके सेविंग अकाउंट हैं, बच्चों को गलत शिक्षा मत दीजिए, बच्चे को लूले और कमजोर मत बनाइए, बच्चे को अपने आप पर सर्वशक्तिमान बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए, तो निश्चित ही सत्संग करना सफलता होगा। आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।